Zombie apocalypse. ऑल राइट, सो हे व्हाट इज अप दोस्तों, यार कैसे हो आप सभी लोग। एंड बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। और मुझे मालूम है कि बहुत दिनों बाद में वीडियो आ रही है, और उसका रीज़न उन लोगों को तो पता ही है जो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं। बट अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो गाइज़, मैं आज रिव्यू करूँगा इस माइक का जो मैंने अभी अभी ऑर्डर किया है, और दो दिन के अंदर मुझे डिलीवर हो गया थैंक्स टू अमेजोन प्राइम। और अमेजोन प्राइम यार बहुत सही चीज़ है, मज़ा ही आ जाता है मतलब। तो यार चलिए मैं फटाफट से डब्बा वब्बा खोल लेता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। बाय द वे मैंने ऑलरेडी इसको खोल लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है यार, थोड़ा टेस्ट वेस्ट कर लेना चाहिए, हर चीज़ को देख लेना चाहिए कि भाई तुमने जो मंगाया है डब्बे में वही आया है या फिर पत्थर भर के डाल दिए हैं। तो यार ये रहा उसका डब्बा, एंड ये रहा उसका बिल, अमेजोन से मंगाया था जो कि बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो ये भी मैंने खोल लिया था, बट मैं आप लोगों के लिए इसको वापस से खोल देता हूँ। और खुल जा भाई, वीडियो में बेइज्जती नहीं करानी। हाँ तो खुल चुका है ये, और सबसे पहले हमको देखने को मिलता है इसकी एक एक्सेसरी मैनुअल जो कि हम साइड में रख देंगे। और दूसरा हमको देखने को मिलता है ये क्या है, टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके अच्छा, तो ये भाई भेजने वेजने का है, जो भी है छोड़ो। और ये है भाई इनका, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, शायद डस्ट फिल्टर बोलते हैं या कोई फिल्टर बोलते हैं। तो इसको भाई यूज़ किया जाता है जब आप लोग गाना वाना गाते हो, और उस टाइम पे यूज़ करते हैं इसको माइक के आगे। तो मैं पूरा दिखाऊंगा गाइस सेटअप करके। और ये है हमारा एयर फिल्टर, या फिर आप इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, स्पंज भी बोलते हैं, हम स्पंज बोलेंगे इसको। तो ऊपर वाला जुगाड़ हटाते हैं, और नीचे हम लोग को मिलता है ये एक, इसको वायर्स को टाई अप करने के लिए एक वेलक्रो। उसके बाद हमको मिलता है यहाँ पे बूम आर्म। तो मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग जब इस माइक का रिव्यू देख रहे थे तो तो उसने मुझे कहा कि भाई ये बूम आर्म क्या होता है। तो भाई ये बूम आर्म नहीं, ये बूम आर्म है। और अगर वो फ्रेंड मेरी वीडियो देख रहा होगा तो भाई वो समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और ये है इसकी केबल, तो केबल का नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन देख लो भाई इसका कनेक्टर ऐसा है। एक तरफ यहाँ पे हम लोग को गोल्ड प्लेटेड क्या बोलते हैं 3.5 mm का जैक मिल जाता है। दूसरी तरफ भाई माइक के पिछवाड़े में लगाने के लिए हमको ये केबल मिलती है। साथ ही ये है हमारा मेन माइक। भाई क्या ही, तो भाई ठंडा ठंडा माइक है यार, ठंड में वैसे ही सब कुछ ठंडा हो रखा है। और ये भाई माइक बहुत ही प्रीमियम है, मेटल का है पूरा, और ठंडा है बहुत ही, और मैट फिनिश के साथ है जो कि मेरा फेवरेट कलर है। ये मिलता है हम लोगों को एक ऑडियो स्प्लिटर, जिससे आप इसको मोबाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो 3 पिन्स है और उसमें 2 ही पिन्स थी। और ये है हमारा डेस्क माउंट, तो भाई इसको आप डेस्क पे माउंट कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा गाइस कैसे माउंट करना है। और इसको यहाँ पे आ गया हमारा, क्या बोलते हैं इसको, शॉक एब्जॉर्वर आई थिंक, जो भी बोलते हैं। तो ये वो है, तो अब मैं दिखाता हूँ उसको माउंट कैसे करना है। तो यार गाइस, डेस्क पे माउंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ये डेस्क माउंट लेना है, और उसको अपने डेस्क के उस कॉर्नर के जितना खोल लेना है जिस पर आप इसको माउंट करने वाले हैं। तो मैं इसको खोल लेता हूँ थोड़ा और। और ये जो फोम वाली साइड है, इसको आपको अपने डेस्क के ऊपर रखना है ताकि आपके डेस्क पे कोई निशान ना पड़े। और ये जो मेटल वाली साइड है, इसको आपको डेस्क के नीचे पड़ना है, क्योंकि भाई नीचे की चीज़ कोई नहीं देखता। तो फटाक से हम इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। तो अब ये हो चुका है टाइट। उसके बाद आपको लेना है अपना बूम बाम जो कि है ये, और इस बूम बाम को रख देना है यहाँ। अब यहाँ लगाने के लिए आपको इसको थोड़ा सा ढीला करना होगा, मैं इसको ढीला कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपना बूम आर्म जो है इसके अंदर घुसा देना है ऐसे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे ताकि हमारा बूम आर्म जो है वो मूव हो सके कुछ ऐसे। ओके और ऊपर नीचे भी ये हो सके, आगे पीछे भी होता है, ये बहुत ही सही चीज़ है। तो इसको कर देंगे, बस हो गया। अभी आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया है यहाँ तक सेट। अब आपको अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है अपने आगे, और ये हो गया यहाँ बस। अब आपको सबसे पहले अपना जो शॉक माउंट है
उसको लेना, एक सेकंड में कैमरा एंगल चेंज कर थोड़ा। हाँ तो शॉक माउंट को हम लेंगे और यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे, एक सेकंड ना, ये ऐसे कर देते हैं। आपने इसने अच्छे से टाइट करना है इसको ताकि ये हिले नहीं, बस हो गया। और अब इसको हम दोबारा से सीधा कर लेंगे। अब इसके अंदर अपने को अपना माइक डालने का है, तो हम हमारा माइक लेंगे और डायरेक्टली इसमें नहीं जाएगा, हमको यहाँ दो साइड में क्लिप्स दी हुई है, उस क्लिप को हम दबाएंगे और ये लो हमारा माइक यहाँ पर लग चुका है। अपने हिसाब से आप सारे कनेक्शंस को टाइट कर लेना, जिससे कि ये देखो, तो इससे क्या होगा, ये जो अंदर ये हिल रहा है ना, तो माइक में जो भी जर्किंग वगैरह होगी उससे ये आपको बचा लेगा। उसके बाद हम लोग को हमारा जो डस्ट फिल्टर है या जो भी इसको बोलते हैं, भाई फोम बोल रहे थे हम लोग, तो फोम लेना है और माइक के ऊपर लगा देना है, कुछ इस तरह से हो गया है बस। तो हमारा माइक यहाँ पर रेडी है और ये देखो गाइस, कुछ ऐसा लग रहा है माइक। और मेन और लास्ट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलेंगे हम इसको, जो कि हमारी माइक की केबल, ये है वो केबल, इसको मैं खोल लेता हूँ एक बार। काफ़ी लंबी केबल है, आई थिंक 1.8 मीटर या शायद 2 मीटर्स की हमको केबल मिलती है। तो केबल का जो माइक वाला पिछवाड़ा है, हम उसको माइक के अंदर घुसेड़ देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमको एक क्लिप दी हुई है, तो उस क्लिप की मदद से हम इसको थोड़ा दबाएंगे यार। ये क्लिप यहाँ पे लग गई है माइक में। और दूसरा जो इसका एंड है, हम उसको लेके जाएंगे, पूरा घुमाएंगे और पीसी में कनेक्ट कर देंगे। तो मैं पीसी में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यार गाइस, सारे कनेक्शंस होने के बाद में ये माइक कुछ ऐसा लग रहा है और सही है। मैंने इसका जो फोम शील्ड है वो भी इसके आगे लगा दिया है। कनेक्शन हमने पीछे से किया है इसको, क्योंकि पीछे से डालना ज़्यादा सही रहता है। एंड बाकी देख लो, कुछ ऐसा लग रहा है माइक। और अब मैं आपको सुनाऊंगा इसकी साउंड क्वालिटी। बेसिकली ये है कि आप लोग अभी मेरी साउंड जो है वो सुन रहे हो एक इससे कॉलर माइक्रोफोन से, जो कि मेरे कैमरा में डायरेक्टली फिटेड है। और ये वाला जो माइक है, इसको मैं मतलब पीसी पर टेस्ट करूंगा, तो साउंड क्वालिटी आपके सामने ये रही। ओके, सो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो है इस मोनो AU-A03 से। और कंपैरिजन आप खुद देख सकते हो कि पिछले वाली आवाज़ कैसे आ रही थी आपको और ये वाली आवाज़ आपको किस तरह से सुनाई दे रही है। आपको बेटर कौन सी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन पे ये 4,000 रुपये का आपको दिख रहा होगा, बट नॉर्मली क्या है कि ये डील्स में आता रहता है 2,400 रुपीज़ का। तो मैंने उसी टाइम मंगवाया था और देख सकते हो साइड में ऑप्शन दिख रहा है, दिस आइटम इज़ अवेलेबल एट अ लाइटनिंग डील। तो इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2,399। तो यहाँ से आप इसको मंगा सकते हो। और बाकी काफ़ी सही माइक लगा मेरे को ये। बेसिकली ये कंडेंसर माइक्रोफोन है और ये पॉडकास्ट वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आप इसको अगर आप एक लाइव स्ट्रीमर हो तो आप इस माइक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सप्रेस होती है। और दूसरा है कि ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, आपको इसके लिए कोई कनेक्टर या फिर किसी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि दूसरे माइक्स में पड़ती है। और जो BM-800 माइक है, जो इससे थोड़ा सा सस्ता है, उसमें भी आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, बट ये है जो है डायरेक्टली पीसी में कनेक्ट होती ही, प्लग एंड प्ले का ऑप्शन है, मतलब ये डायरेक्टली कनेक्ट होती ही प्ले हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने ये माइक मंगवाया है और बाकी काफ़ी सही है, इस माइक को आप कंसीडर कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।